भी चुनावी तपिश की सुगबुगाहट तेज हो चली है। नेताओं में आपसी जुबानी जंग का सियासी शोर भी अपने चरम पर है। जींद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावी जीत का मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से दिए गए राक्षस वाले बयान पर सियासत जारी है। उप मुख्यमंत्री ने रणदीप सुरजेवाला को नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और एक तो ये 18 से 25 साल के युवा साथी है जिनको कांग्रेसी के तो थे वानर सेना है, वो जानते नहीं थे वानर सेना ने तो लंका के आग लगा दी थी। और अब तो रणदीप मेरे ख्याल से इतना बैग गया के कह गया वर्करों को राक्षस। आज एक चीज बता सकता हूं, चौधरी देवीलाल जी हो चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमने तो हमेशा उनके मुंह से एक चीज सीखी कि वर्कर जो है वो तो हीरा मोती और वोटर जो है वो भगवान के समान है, क्योंकि 5 साल की परीक्षा में खड़ा होकर पार्टी संगठन को और सोच को मजबूती को देता है तो वोटर। वही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी का ग्राफ प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही सार्थक कदम उठाए हैं। अच्छी शुरुआत है कि इस पे चर्चा होगी। माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी की बात करी गई, मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति की चेयरमैनी पे इस पे अच्छे सुझाव आएंगे। जब पहले भी इलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 पे चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जननायक जनता पार्टी पहला दल था जिसने इसके प्रति अपना पक्ष दर्शाने का काम किया। और मैं तो मानता हूँ कि बारी बारी इलेक्शंस इतनी मशीनरी का उपयोग और थोड़े थोड़े समय में फिर वही चीज की रिपीटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, कॉस्ट कटिंग भी होगी चाहे वो प्रचार में हो चाहे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइजेशन में हो और देश के अंदर भी स्थायी और स्थिर सरकार हमें दिख रही है। साल 2024 के चुनावी रणभेरे के बीच नेताओं की जुबानी जंग का सियासी फुल शो में तपिश इतनी गर्म हो चली है कि नेता अभी से जीत का गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। जींद से सूर्य समाचार के लिए परमजीत पवार की रिपोर्ट।